महाराजगंज में उस समय हंगामा मच गया जब प्राइवेट बस के संचालकों ने रोडवेज बस के कंडक्टर को पीट दिया और जिंदा जलाने की कोशिश की। इस घटना के बाद बस स्टॉप पर हड़कंप मच गया। जिले में पुलिस और SRTO की मदद से प्राइवेट बस संचालक अपनी मनमानी करते हैं और रोडवेज बस में सवारी के बैठने पर मारपीट करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह परिचाल निचलोल डिपो UP 53DT 73 बांध संख्या में लखनऊ लेके जा रहा था। इसी सेवा जो है उस गाड़ी के सामने मैं खड़ा था। उतने देर में हमारे ड्यूटी चार्ज महोदय यहाँ से निकल रहे थे बाहर लेकर के अपनी मोटरसाइकिल लेकर के, और उधर से एक गोरखपुर की तरफ से एक जो है ट्राली आती है और इधर निचलोल की तरफ से एक बस आती है प्राइवेट बस। जो प्राइवेट बस वालों मैं कह रहा हूँ कि भाई आगे बढ़ा लो, हमारी गाड़ी लगी हुई है, हम सवारी लेकर के गोरखपुर लखनऊ जाने वाले हैं। वो नहीं मान रहा है, बार बार गाला गलौजी करने लगा और दूसरी उसी समय में जो है उसके दो चार पाँच छः लड़के आए और मेरे ऊपर हमला कर दिए। हमला करने पर स्थिति है कि पहले मुझे मारे और मारने के बाद उधर से जो है मोटी लकड़ी जलती हुई लेके आए, मेरे सर पर मारने लगे और मैं अपने आप को बचा रहा था। यही स्थिति सर मेरे साथ हुई, मुझे उसमें काफ़ी चोटें लगी हैं और मेरा बैग, मेरी मशीन, मेरा मोबाइल सब कुछ लेके भाग गए। आपके ऊपर जो लोगों ने हमला किया वो क्या रोडवेज कर्मचारी? नहीं, रोडवेज कर्मचारी थे वो, प्राइवेट वाहन के जो है ड्राइवर कंडक्टर या जो भी बस मालिक रहे हूँ, मैं ये नहीं जानता उसके विषय में। किस तरह की घटना हुई है, क्या मामला? ये यात्री बैठाने के चक्कर में झगड़ा हुआ है, हमारी लखनऊ की सेवा थी, उसके कंडक्टर और कंडक्टर से मारपीट की है प्राइवेट वालों ने। अब तक आपके द्वारा क्या कार्रवाई है इसमें? अब कंडक्टर के द्वारा जो है FIR लिखवाया जाएगा और हमारे द्वारा ये कार्रवाई होगी, जो एक शासनादेश है परिवहन विभाग का कि जो है बस अड्डे से 1 किलोमीटर के अंदर में कोई जो है गाड़ियाँ नहीं लगेंगी, उस पर जो है सख्ती से अनुपालन कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। मारपीट के बाद रोडवेज कर्मियों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संचालकों से बातचीत की और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर जाम को खत्म करवाया। महाराजगंज से गुलाम गौस की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।